नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम साथियों। अंबेडकर नामा में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच में हैं। वो है कि डॉक्टर अंबेडकर और बड़ौदा महाराज के बीच जो संबंध थे, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत सारी कहानियां आप जानते हैं, लेकिन कुछ अनछुए पहलू हैं उनके संबंधों के बारे में। इस बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले बड़ौदा महाराज के बारे में। जो बड़ौदा महाराज हैं, उनका अगर आप देखेंगे हिस्ट्री उठाकर, तो वो उनकी उनका जो जन्म है वो है 1 मार्च 1863, और उनकी मृत्यु हुई है वो है 6 फरवरी 1939 को। तकरीबन वो 62 वर्ष जीवित रहे हैं। अगर इनके बारे में, इनके कंट्रीब्यूशन को अगर आप देखेंगे, तो जनरली ये माना जाता है कि बहुत ही लिबरल थे और उदार, और बहुत ही सोशल कॉज को, साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करने वाले लोग थे और उनको कहते हैं कि मॉडर्न भोज। ये काशी प्रसाद जायसवाल पे ने जिस पे मैंने पीएचडी की है, उन्होंने इनको मॉडर्न भोज कहा है। सो उनका दरबार अगर आप देखेंगे, तो उनका दरबार बड़े बड़े राजा महाराजा के अलावा दुनिया भर के तमाम जो विद्वान होते थे, उनका बहुत बड़ा अड्डा हुआ करता था। और वो खास तौर से जो साइंटिफिक नॉलेज है, उसको प्रोपगेशन में, उसको बढ़ाने में उनकी दिलचस्प भूमिका होती थी। अगर बात के इतिहास में आप देखेंगे, तो उन्होंने गोल्डन बड़ौदा लेक्चर सीरीज शुरू किया, उन्होंने ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया बड़ौदा में। ये तमाम उनके बारे में बातें हैं। गोल्डन जो जुबली लेक्चर सीरीज था, वो कहा जाता है कि एक तरह से भारत में नोबेल प्राइज के बराबर था। और उसमें आज तक, जहां तक इतिहास हमें पता है, कि महाराज ऑफ बड़ौदा ने 3 बार इसका आयोजन किया था, जिसमें पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने लेक्चर दिया था, दूसरी बार काशी प्रसाद जायसवाल, और तीसरी बार सीवी रमन ने वहां पे लेक्चर दिया जाता था। और ये माना जाता था कि ये सम्मान जो है बहुत प्रतिष्ठाजनक है, बहुत ही ऑनरेबल है, सम्मानजनक है। तो ये दिलचस्प उनका एक पहलू है। और जो सोशल रिफॉर्म को लेकर भी आप अगर देखेंगे, तो जो बड़ौदा महाराज हैं, वो हिंदू मुस्लिम शादी को लेकर भी उनकी एक सकारात्मक जो पहलू था, वो था कि हिंदू मुस्लिम शादी भी होना चाहिए। और इस वजह से खास तौर से जो ब्राह्मण समुदाय है, उनके तरफ से बहुत ही अग्रेसिव अटैक बड़ौदा महाराज के ऊपर होता था। और हमने अपने रिसर्च के दौरान पाया है कि बाल कृष्ण भट्ट, जो कि डॉयन ऑफ हिंदी लिटरेचर, कि हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में, उन्होंने इनके बारे में बहुत ही एग्रेसिव टिप्पणी हिंदी प्रदीप पत्रिका में उन्होंने लिखा था। तो ये समझना है कि जो बड़ौदा महाराज है, किस तरह के साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं। अगर आपको ध्यान होगा, तो 1933 में उन्होंने बड़ौदा में 7वां ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया था, जिसमें अध्यक्षीय भाषण काशी प्रसाद जायसवाल का था। और काशी प्रसाद जायसवाल ने राहुल सांकृतायन को उस पूरे प्रोग्राम का, ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी सेक्शन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया था। अगर राहुल सांकृतायन के राइटिंग्स को आप पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने बड़ा ही सुंदर डिस्क्रिप्शन, उसका पूरा ब्यौरा दिया है। तो ये सब ध्यान में जब रख के आप समझेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा महाराज ने कैसे प्रमोट किया, कैसे आगे बढ़ाया, तब ये बात आपको समझ में आएगी। बहरहाल, अगर देखें, डॉक्टर अंबेडकर का ग्रेजुएशन मुंबई यूनिवर्सिटी के एलिफिशन कॉलेज से हुआ था, और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बड़ौदा स्टेट की जो नौकरी है उसको ज्वाइन किया था। जैसे उन्होंने नौकरी ज्वाइन की, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और वो है 2 फरवरी 1913 को उनके पिताजी की मृत्यु होती है। मृत्यु होती है तो वो आते हैं अपने घर, और उनको लगता है, वो एक्चुअली अंबेडकर बचपन से ही ज्ञान पिपासु हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो जब घर लौट कर आते हैं, तो उनको लगता है कि वो जाना नहीं चाहते हैं, वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो इस वजह से एक खास तरह का द्वंद है अंबेडकर के पूरे उस समय के पूरे वातावरण में, उनके सोच में। और अंबेडकर को अपने पैरों पे खड़ा भी होना है, अपनी जीविका भी चलानी है। इस तरह से एक तरह से द्वंद है अंबेडकर
के बीच में। तो इसी दरमियान 1913 के आसपास अंबेडकर साहब को एक मौका मिलता है, और मौका यह है कि जो बड़ौदा महाराज हैं वो कुछ लोगों को स्कॉलरशिप देने की दिलचस्पी उनमें है कि अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों को, होनहार छात्रों को भेजा जाए पढ़ने के लिए। इसी दरमियान अगर आप थोड़ा सा और हिस्ट्री देखेंगे तो किंग ऑफ बड़ौदा जो है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में भी बहुत दिलचस्पी लेते थे, और खासतौर से उनके पत्रों को आप देखेंगे तो वो खासतौर से जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो महार है या अनटचेबल उस समय के हैं, उनके प्रमोशन के लिए अपने राज्य में कई तरह का कार्यक्रम चलाते थे। तो ये बात ध्यान में रखे जाने की है कि उस समय एक अवसर अंबेडकर को मिला कि वो विदेश पढ़ने जाएं। तो इसी दरमियान जब मुंबई में किंग ऑफ बड़ौदा थे, बड़ौदा महाराज थे, तो अंबेडकर उनसे मिलने गए, और मिलने गए इस सेंस में कि बड़ौदा में जब नौकरी करते हुए जब उनको कुछ परेशानी हो रही थी, जिस तरह का समाज, जिस तरह का वातावरण था, जो कि बाद के इतिहास में भी आप देखेंगे, तो उनको लग रहा था कि भाई ये समस्याओं से महाराज को अवगत कराया जाए, तो महाराज से मिलने उनके महल पे मुंबई में गए। और लेकिन जिन समस्याओं से वो अवगत कराना चाहते थे महाराज को, पहले से उन समस्याओं की जानकारी थी, इसलिए जब उनकी मुलाकात हुई अंबेडकर से तो उन्होंने जो है ना इस पे कोई चर्चा नहीं की। उनके जहन में ये बात थी कि भाई इस तरह का भेदभाव, इस तरह का तमाम वहां पे होता है। तो ये पूरा बैकग्राउंड है जिसमें हायर स्टडीज के लिए अंबेडकर साहब और किंग ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा महाराज की मुलाकात होती है। इसमें जब बहुत सारी बातें हुई उस मुलाकात में, और बड़ौदा महाराज जो सोशल जो स्टिग्मा था, जो अंबेडकर को परेशानी हो रही थी, उसको लगातार वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। तो अंबेडकर जब मिलकर लौटे तो बहुत परेशान थे। उनको लगा कि मैं शिकायत करने गया था कि वहां मैं काम ठीक से नहीं कर पाता हूं, लेकिन महाराज ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये उनकी त्रासदी थी, लेकिन महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम कल इसी समय मुझसे मिलने आओ। तो इस पूरे बैकग्राउंड में अंबेडकर और महाराज बड़ौदा की मुलाकात होती है अगले दिन। जब वो मिलने जाते हैं तो कई सवाल होता है, और सवाल में पूछते हैं महाराज अंबेडकर से कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं पब्लिक फाइनेंस पढ़ना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये विषय तुम क्यों पढ़ोगे, क्यों पढ़ना चाहते हो। तो वो कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं कि इन विषयों के अध्ययन से मुझे अपने समाज की पिछड़ी हुई जो स्थिति है उसको जानने का मौका मिलेगा, और जब हम उसको जानेंगे, जब हम समझेंगे, तो इस तरीके से हमको सुधार करने का भी मौका मिलेगा, तो मैं सामाजिक सुधार का कार्यक्रम चलाऊंगा। तो इस बात पर हंसते हुए महाराज बड़ौदा ने कहा कि तुम्हें तो हमें सर्विस प्रोवाइड करना है, कि जब सर्विस प्रोवाइड करना है तो तुम कैसे फिर काम कर सामाजिक आंदोलन करोगे, सामाजिक सुधार का काम करोगे। तो ये बात उनके बीच हुई। तो उन्होंने कहा, अंबेडकर ने कहा कि महाराज अगर आप मुझे पर्याप्त अवसर दें तो मैं नौकरी भी करूंगा और सामाजिक सुधार का जो कार्यक्रम है वो भी चलाऊंगा। तो एक तरीके से अंबेडकर के अंदर जो एंजाइटी है, जो एक गुस्सा है, या जो बदलाव की जो प्रवृत्ति है, वो देखने की है कि वो नौकरी भी करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम सोशल मूवमेंट भी चलाएंगे। तो इस पे बड़ौदा महाराज कहते हैं कि मैं भी यही सोच रहा था, अगर मैं तुम्हें अमेरिका भेजू पढ़ने के लिए तो तुम अमेरिका जाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा अमेरिका पढ़ने के लिए। और इसके बाद ये बातचीत हुई और महाराज तैयार हुए कि ठीक है, अंबेडकर को स्पॉन्सर करेंगे अमेरिका जाने के लिए। इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज हैं वो सब उन्होंने बातें की, और उन्होंने कहा कि हमारे जो ऑफिसर हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, उनसे जाके मिलो। और इसके साथ साथ ये तय हुआ कि अंबेडकर के साथ 3 और छात्र अमेरिका भेजे जाएंगे पढ़ने के लिए। तो 4 जून 1913 को बड़ौदा स्टेट और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, और वो समझौता हुआ कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। एक करारनामा हुआ कि जिसमें से, जिस करारनामे में एक शर्त ये थी कि अंबेडकर जब वहां से लौट कर आएंगे तो 10 साल बड़ौदा स्टेट के लिए काम करेंगे।
साथियों आज ये पृष्ठभूमि है, ये बैकग्राउंड है, ये किस तरीके से अंबेडकर और महाराज के बीच, महाराज और बड़ौदा के बीच अमेरिका जाने से पहले एक पृष्ठभूमि तैयार हुई और कैसे महाराज ने दिलचस्पी दिखाई और उनको अमेरिका भेजने का प्रोग्राम उन्होंने तय किया। आज ये पृष्ठभूमि है। अगले एपिसोड में जब हम आएंगे तो उस करारनामे में क्या था, क्या हुआ, कितने टर्म्स एंड कंडीशन थे, अमेरिका गए फिर इंग्लैंड गए, फिर क्या हुआ जब वो लौट कर आए और बड़ौदा में जब वो नौकरी करने गए तो उनके साथ क्या क्या भेदभाव हुआ, उसके बाद अंबेडकर वापस मुंबई आ गए, उसके बाद बड़ौदा स्टेट के अधिकारियों के साथ क्या उनका पत्राचार हुआ और अंबेडकर ने कैसे उनका जवाब दिया, और उसके बाद जब राउंड टेबल के समय जब किंग ऑफ बड़ौदा के साथ उनकी मुलाकात होती है और जो वो भाषण सुनते हैं, किंग ऑफ बड़ौदा जब अंबेडकर का भाषण सुनते हैं तो ये क्या कहते हैं, अगले एपिसोड में चर्चा इसकी जरूर करेंगे। साथियों ये विमर्श अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये पर्पस हमारा ये है कि 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो बनाए, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें साझा करें और ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये हमारा पर्पस है। तो अगर ये विमर्श आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसके साथ साथ जो घंटी आपको दिखती है ऊपर वो घंटी जरूर बजाएं, इसलिए कि जब भी हमारा अगला वीडियो होगा तो आपके सामने वो वीडियो सीधा आपको पहुंचेगा। इसलिए शुक्रिया साथियों, जय भीम, इंतजार करें अगले वीडियो का। शुक्रिया, जय भीम। साथियों अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ Paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। Paytm, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।